तो पॉलिनोमियल का ये जो हमारा सफ़र चल रहा था, इसमें हम लोग पॉलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ नाइन क्लास। नाइन क्लास में तुम्हें जितना भी पढ़ना था वो सारा हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन से लेके रिमाइंडर थ्योरम से लेके फैक्टर थ्योरम तक हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये वीडियो पार्ट भी हमारा क्वेश्चन का ही है, यानी कि इस वीडियो पार्ट में केवल हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं जितना भी क्वेश्चन बोर्ड पर कराऊंगा, अगर उस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ लिए तो फिर तुम कोई भी बुक बनाओ तुमसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन है कि इफ़ बोथ एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन बाई टू आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब कि इससे भी डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जीरो और इससे भी डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जीरो। क्यों रिमाइंडर जीरो? क्योंकि बोला है कि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो किसी फैक्टर से किसी मल्टीपल को, यानी किसी फैक्टर अगर डिवाइजर हो और डिविडेंड जो है उसको डिवाइड किया जाए, डिविडेंड का अगर डिवाइजर फैक्टर हो तो रिमाइंडर उस केस में जीरो ही आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये इसका फैक्टर है, मतलब कि इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो, ये भी फैक्टर तो इससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो। तो तुमको शो करना है कि पी इज़ इक्वल टू आर, यानी कि ये जो यहाँ पी है ना भैया और ये जो आर है ये दोनों इक्वल है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस शर्त तुम्हारा हमें फोकस चाहिए। अगर फोकस बढ़ाते हो और अप्लाई करते हो रिमाइंडर थ्योरम, अगर तुम पढ़े हुए, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा उस वीडियो को छोड़ दिया है तो पहले तुम जाओ चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पॉलिनोमियल मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम अच्छे से पढ़ो, सारा वीडियो पार्ट पढ़ो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, बड़ा मज़ा आएगा। एक एक भन्नाट क्वेश्चन जिसे तुम समझते हो वो क्वेश्चन को मैं इतना पटकूंगा, इतना मारूंगा, धजिया उड़ा दूंगा उस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, समझा तो दिए ना भाई, क्वेश्चन क्लियर है ना। तो अब डायरेक्ट आते हैं सोल्यूशन पे। देखो, मान लेते हैं कि इसको ये पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर। इसको लेट कर लो जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस टू, और इसको तुम लेट कर लो एफ एक्स, बोलो कुछ भी बोलो तुम्हारा मन, एक्स माइनस वन बाई टू। अब देखो, ये जो है इसका है फैक्टर, ये जो पॉलिनोमियल है इसका है फैक्टर, यानी कि इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, यही पढ़े थे। तो भाई अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम अगर अप्लाई यहाँ करते हो तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार इसको जीरो से कर लो इक्वेट, डिवाइजर को कर लो जीरो से इक्वेट, वेरिएबल का जो भी वैल्यू आया, वेरिएबल यहाँ से देखो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा टू। वेरिएबल का जो भी वैल्यू आया वही इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने पर जो वैल्यू आता था वही होता था रिमाइंडर। बात क्लियर है कि नहीं है, वही होता था रिमाइंडर। तो यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू टू आया, इसका मतलब रिमाइंडर हो गया पी टू, रिमाइंडर हो गया पी टू। पी टू का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ एक से इस पॉलिनोमियल, वहाँ हमें टू रखना है। पी टू आ गया हम लोगों का रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ था कि वो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था भाई, जीरो आना चाहिए था। तो ये हुआ हमारा रिमाइंडर, इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से, ठीक है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, यानी कि इसको भी जीरो से इक्वेट करने पर एक्स का वैल्यू वन बाई टू आया। इसका मतलब है कि पी वन बाई टू का जो वैल्यू होगा वो जीरो आएगा, पी वन बाई टू का जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा, क्योंकि इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी वन बाई टू आएगा। और पी वन बाई टू का मतलब भी तुम समझ गए हो कि जहाँ जहाँ एक्स है, देखो एक्स के प्लेस पर वन बाई टू, तो यहाँ भी वन बाई टू, यहाँ भी वन बाई टू, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही होगा हमारा रिमाइंडर होगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े थे। और वही जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए, क्योंकि इससे इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, बिकॉज फैक्टर है वो। चलो, यहाँ तक अगर बात समझ गए, तो P2 का मतलब क्या है कि P इंटू टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। पी टू का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ टू पुट कर लिए। P1 बाई टू का मतलब क्या है, P1 बाई टू का मतलब है हमारा कि P इंटू वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई टू, एक्स के प्लेस पर वन बाई टू रखें तो P इंटू वन बाई टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन बाई टू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। दोनों को वन बाई वन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो टू का स्क्वायर फोर पी प्लस फाइव इंटू टू टेन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किया जाए तो देखो, वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, यानी कि पी बाई फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस फाइव बाई टू
प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अगेन इसको सॉल्व किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए फोर, एलसीएम फोर लिए तो यहाँ तो पी रहा, पी प्लस टू इंटू टू यानी कि फाइव इंटू टू टेन, और प्लस फोर इंटू आर फोर आर, देखो फोर इंटू आर फोर आर इज इक्वल टू जीरो। इस फोर को अगर हम लोग इस फोर को जो डिवाइड में है अगर उस साइड भेजे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू फोर, जीरो इंटू फोर हमारा जीरो हो जाएगा। तो पी प्लस टेन प्लस फोर आर इज इक्वल टू जीरो। इधर से देखा जाए तो इधर से अगर हम लोग फोर पी प्लस आर का वैल्यू निकालना चाहें, फोर पी प्लस आर का वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा माइनस टेन आ गया। इधर से अगर हम लोग पी प्लस फोर आर का, पी प्लस फोर आर का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से भी माइनस टेन, क्योंकि ये प्लस में है उस साइड गया तो माइनस में, ये प्लस में था उस साइड गया तो माइनस में। अब ध्यान से यहाँ देखने वाली बात है, ध्यान से देखो, ध्यान से कि ये इक्वेशन मान लो वन है और ये इक्वेशन मान लो टू है। हमारे पास दो ही इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो दोनों का आर एच एस सेम है। आर एच एस जो है इस केस में माइनस टेन है और इस केस में माइनस टेन है। इसका मतलब हुआ कि दोनों जो इक्वेशन है दोनों का एल एच एस माइनस टेन के इक्वल है, यानी कि दोनों एल एच एस भी आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू माइनस टेन है। समझ गए होंगे, समझना ज़रूरी भी था। तो ध्यान से देखो, माइनस टेन इसका वैल्यू और माइनस टेन इसका वैल्यू, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से फोर पी प्लस आर इज इक्वल टू पी प्लस फोर आर। इस पी को अगर इधर लाए और आर को इधर लेके जाए तो फोर पी माइनस पी इज इक्वल टू फोर आर माइनस आर, ठीक ना। तो यहाँ से फोर पी माइनस पी का मतलब हो गया थ्री पी, और इधर से फोर आर माइनस आर का मतलब हो गया थ्री आर। ये थ्री से थ्री कैंसिल, पी इज इक्वल टू आर। जो करना था हमें प्रूफ वो आ गया। तो क्वेश्चन तो था भन्नाट, बट क्लियर हुआ होगा, क्लियर होना भी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने सेकंड क्वेश्चन तुम्हें बताने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, बड़ा भन्नाट है, मज़ेदार भी है। तुम बस करो ये, तुमको अगर अपना मेंटल ग्रोथ चाहिए तो मैं बार बार बताता हूँ कि वीडियो को भी रोक लो, थोड़ा स्टॉप कर लो और क्वेश्चन को पहले पूरे शिद्दत से कोशिश करो, ट्राई करो, पूरे शिद्दत से बनाने का कोशिश करो, और ना बने फिर इस वीडियो को देखो। देखो इसमें है क्या कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो तुमको शो करना है, देन शो डैट ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ जो ए सी और ई है इसको ऐड करने पे, ठीक ना, वो बी प्लस डी के इक्वल आएगा, और इसका भी वैल्यू जीरो होगा और इसका भी वैल्यू जीरो होगा। ये तुम्हें प्रूफ करना था। और क्वेश्चन में बोला ये था कि ये जो है ना इसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन उसका फैक्टर है। फैक्टर करने का मतलब, अभी पिछले क्वेश्चन में हम तुम्हें बताए थे कि जब उससे उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और डिवाइड कैसे करेंगे वो भी तुम समझ गए हो बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। तो देख लेते हैं। देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसको अगर हम लोग फैक्टर करें तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ये दोनों इसका फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर है तो एक्स प्लस वन भी इसका फैक्टर हो जाएगा और एक्स माइनस वन भी इसका फैक्टर हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो पी एक्स है हमारे पास वो है एक्स का पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स में, और इसको मान लेते हैं कि ये जी एक्स है, जी एक्स, और एक हमारे पास एफ एक्स आ गया एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आया कहाँ से, ये तुमको क्लियर होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये इसका फैक्टर है तो ये और ये दोनों इसका फैक्टर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो फैक्टर होगा वो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब हम लोग इससे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करके रिमाइंडर निकालने का कोशिश करेंगे तो डिवाइजर को कर लो जीरो से इक्वेट, वेरिएबल का जो वैल्यू आया वही यहाँ पुट करोगे तो रिमाइंडर निकलेगा। इसको भी जीरो से इक्वेट किए तो वेरिएबल का आ गया वैल्यू वन, यही वन अगर यहाँ पुट करोगे, यहाँ भी वेरिएबल के पास पुट करोगे वही हमारा रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर होना चाहिए जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो। क्यों होना चाहिए यहाँ जीरो, क्योंकि वो इसका फैक्टर है। तो ध्यान से देखो, एक्स माइनस
एक्स का वैल्यू इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल का वैल्यू -1 आया है, यानी कि इस केस में रिमाइंडर आएगा p-1, और इस p-1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। उसी तरीके से जब इससे यानी कि इससे अगर इसको डिवाइड करें तो वेरिएबल का वैल्यू डिवाइजर को 0 से इक्वेट करने पे वेरिएबल का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे वही रिमाइंडर होगा, और p1 इज इक्वल टू रिमाइंडर होगा, ये p1 रिमाइंडर होगा और ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये रिमाइंडर 0 क्यों आना चाहिए, ये अच्छे से तुम्हें क्लियर होना ही चाहिए, और क्लियर है भी, हम जानते हैं। चलो देखो, p-1 = 0 और p-1 का मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 पुट कर लेंगे। तो a(-1)4 प्लस b(-1)3 प्लस c(-1)2 और प्लस d(-1)e इज इक्वल टू होगा ज़ीरो। बात क्लियर है ना, बात क्लियर होना भी चाहिए, ठीक ना। -1 यहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए, ठीक ना। अब देखो, a(-1)4 प्लस b(-1)3 यानी कि b(-1)-1 अगर 3 करोगे, ये 3 था भाई, लग तो रहा है 5 लेकिन था 3 क्योंकि b(x)3। तो देखो, -1)3 करोगे, -1 को अगर तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वैल्यू देगा -1 प्लस c(-1)2। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो c(1) प्लस d(-1) यानी कि d(-1) कितना, माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। एक बार और सॉल्व कर लिया जाए, a(1) और b(-1)-b प्लस c(-d) प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये एक हमारा इक्वेशन यहाँ से मिला, ये एक इक्वेशन मिला। उसी तरीके से p1 को सॉल्व किया जाए। p1 का मतलब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, देखो यहाँ 1 पुट किए ना p1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर ले। तो a(-1)4 प्लस b(-1)3 प्लस c(1)2 प्लस d(1) प्लस e इज इक्वल टू 0, ये बात आया। तो यहाँ से देखो, ये पूरा बन गया a, क्योंकि 1^4 1 और 1 a प्लस उसी तरीके से ये बन गया b, ये बन गया c, ये बन गया d और ये बन गया e बन गया। इसका भी वैल्यू 0 आ गया। बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है ना। ए बी सी डी ई ये सारा 0 बन गया। इधर से देखा जाए, इसके प्लस वाले को एक साथ रखा जाए, इसको इसका प्लस वाला एक साथ रखा जाए, तो a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो b प्लस d है। तो देखो, इसका जो वैल्यू है ये भी आया कि नहीं आया, बताओ ये दोनों इक्वल आया कि नहीं आया। हम लोग इस माइनस को इस साइड लेकर चले गए और इस माइनस को भी इस साइड लेकर चले गए, तो a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू b प्लस d आ गया, जो हमें यहाँ प्रूफ करना था। लेकिन हमको केवल यही नहीं प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल तो प्रूफ करना ही था, हमें ये भी प्रूफ करना था कि दोनों का वैल्यू 0 है। एक बार फिर तुम वीडियो को रोक सकते हो और अच्छे तरीके से यहाँ से तुम ब्रेन यूज कर सकते हो, तुम आराम से पहुँचोगे, आराम से तुम बनाओगे, तुम भी भन्नाट है, तू भी बनाएगा। तो देखो ध्यान से, इसको अब हम लोग क्या करें, ये दोनों का वैल्यू 0 प्रूफ करने के लिए क्या किया जा सकता है। मान लो कि ये जो हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मान लो 1 और ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसको मान लो 2। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली तुम ऐड कर दो, ये दोनों इक्वेशन को तुम सिंपली ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या रहेगा, a+b+c+d+e, ठीक ना, LHS प्लस इधर से इसका LHS ऐड किया जाए, तो a-b प्लस c-d+e इज इक्वल टू 0+0 यानी कि 0। कुछ नहीं किए हम, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को जोड़ लिए, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ऐड किए तो देखो, ये b से b कैंसिल और ये d से d कैंसिल है कि नहीं। तो हमारे पास 2a आ गया, हमारे पास 2c आ गया और हमारे पास 2e आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 a+b+e, b तो कैंसिल है ना, 2 a+c+e इज इक्वल टू 0।
ध्यान से देखना, ए हमारे पास दो है, सी हमारे पास दो है और ई हमारे पास दो है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको लिखेंगे 2a प्लस 2c प्लस 2e, और अगेन अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस e, तो ये 2 हमारा कॉमन आएगा, डायरेक्ट हम लिख लिए। इतना तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि इतना तुम्हें तो आना ही चाहिए। तो देखो यहाँ से a प्लस c प्लस e का जो वैल्यू है, ये 2 अगर इस साइड चले जाए तो 0/2 यानी कि 0 आ गया। तो a प्लस c प्लस e का जो वैल्यू है वो हमारा a प्लस सी प्लस ई का वैल्यू जो है 0 आ गया, और a प्लस सी प्लस ई इक्वल है b प्लस डी के, तो ये भी 0 आ गया, है कि नहीं है। या इसको भी तुमको 0 डायरेक्ट प्रूफ करना हो डायरेक्ट, तो इस बार क्या करो कि इससे इसको माइनस कर लो। इससे इसको जब तुम माइनस करोगे तो इजिली तुम्हारा वहाँ तक भी पहुँच जाओगे। लेकिन अगर a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया, और ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए हुए कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो इसको 3 मान लो तुम, और ये जो है इसको तुम 4 मान लो, तो लिखोगे डायरेक्ट फ्रॉम 3 एंड 4। इक्वेशन जो 3 और 4 हमारे पास आया, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि ये और ये इक्वल तो ऑलरेडी प्रूफ किए थे, और इसका वैल्यू अगर 0 है तो इसका भी वैल्यू 0 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लोग इस तरीके से एक इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, और जो हमारा प्रूफ था, जो भी हमें प्रूफ करना था, वो हम प्रूफ कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अगर समझे तो एक बात और समझो, वो ये कि मैं बोर्ड पर जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड है। अगर उन क्वेश्चंस को तुम अच्छे से समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए पॉलीनोमियल भी आसान होगा, मैथ्स भी आसान होगा। एक एक चीज़ में आसान बनाकर ही छोड़ूंगा। तो एक और क्वेश्चन देखा जाए, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी भन्नाट है बट आसान है, फोकस बढ़ा ले भाई। क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना एक्चुअल जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसके बिना प्रूफ डेट हमें प्रूफ करना है कि 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x+2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² माइनस 3x+2। यानी कि ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इससे, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल एक तो हम लोग पढ़े ही थे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हम लोग डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है एक्चुअली डिवाइड कर दे रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है ना, फैक्टर है उसका। ये सब तो हम लोग को पहले से क्लियर है, लेकिन हमें वो लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड नहीं यूज करना है। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है भाई? रिमाइंडर थ्योरम का मेथड यूज करना है। विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इफ़ वी एबल टू शो दैट रिमाइंडर इज 0, देन वी कैन से दिस पॉलीनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, और दिस पॉलीनोमियल कैन एग्जैक्टली डिवाइड दिस पॉलीनोमियल, एंड लेट दिस पॉलीनोमियल बी px। मान लेते हैं कि ये जो पॉलीनोमियल है ना, ये हमारा px है। px इज इक्वल टू है 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x+2। ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल इन x है, और ये डिविडेंड भी है, इसको डिवाइड करना है हमें gx इज इक्वल टू x² माइनस 3x+2। इससे हमें डिवाइड करना है। अगर इससे हमें डिवाइड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि डिवाइज़र को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, वेरिएबल का जो भी वैल्यू आता है उसी से उस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। यानी उस डिविडेंड में हम लोग जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ वही वैल्यू पुट करेंगे जिस डिवाइज़र से, डिवाइज़र को 0 से इक्वेट करने के बाद जो भी वेरिएबल का वैल्यू आया वही वेरिएबल हम लोग वहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू वो पॉलीनोमियल देगा वही तो रिमाइंडर होगा, और वही रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखा जाए इसको, यानी ये इस केस में डिवाइज़र है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट किए। और मज़ेदार बात ये है कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को अगर तुम 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स का जो वैल्यू है यानी जो जीरोज है वो 2 आएगा। तो दोनों हमें रख कर देखना होगा इस पॉलीनोमियल में। यहाँ से जब हम लोग 0 से इक्वेट किए तो जो x का वैल्यू 2 आ रहा है, वो दोनों वैल्यू यहाँ रखने के बाद अगर ये 0 बन गया, ये पॉलीनोमियल 0 बन गया, तब ये जाकर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा।
क्योंकि जो यहाँ से x का वैल्यू आएगा जो इसमें रखेंगे वही तो हमारा रिमाइंडर होता है। तो चलो देखते हैं, इसको जीरो से इक्वेट करने के बाद इससे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, माइनस थ्री एक्स को माइनस टू एक्स माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पे एक्स माइनस टू आ जाएगा और यहाँ से हम लोग माइनस वन कॉमन ले तो एक्स माइनस टू आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। देखो एक्स माइनस टू आ गया फिर से कॉमन और यहाँ से बच गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से एक्स माइनस टू अगर इफ़ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू टू, उसी तरीके से अगर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू वन आ गया। मतलब क्या है कि डिवाइजर को जब हम जीरो से इक्वेट किए तो वेरिएबल का दो वैल्यू आया, एक आया टू और एक आया वन। ये दोनों वैल्यू से ये वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, क्योंकि इस केस में डिवाइजर का जो वेरिएबल है उसका दो दो वैल्यू आया है, तो इस वैल्यू को भी यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को भी यहाँ रखेंगे और दोनों रखने के बाद जो आएगा उसी को रिमाइंडर बोलेंगे। और अगर वो जीरो आ गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, बात क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से, अब ये एक्स का वैल्यू जो टू आया तो पहले हम लोग पी टू चेक कर लेते हैं। पी टू क्या है? पी टू का मतलब यहाँ टू पुट किए तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू। देखो यहाँ पर टू इंटू टू का पावर फोर माइनस फाइव इंटू टू का क्यूब प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, इसको सॉल्व किया जाए। देखो ये टू का पावर फोर सिक्सटीन और सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू माइनस फाइव इंटू टू का पावर थ्री एट इंटू फाइव माइनस फोर्टी। देखो टू का पावर टू और इंटू टू यानी कि टू का पावर थ्री हो गया। देखो टू का पावर टू फोर इंटू टू एट हो गया, यानी कि प्लस एट, माइनस टू और प्लस टू कैंसिल। यहाँ से देखो इन दोनों को सॉल्व किए तो थर्टी टू और एट हमारा फोर्टी माइनस फोर्टी ये दोनों फोर्टी कैंसिल, जीरो आ गया। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इस टू को यहाँ पुट किए तो वैल्यू जीरो आ गया। अब हम लोग वन को भी पुट करके देखते हैं। पी वन इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा टू इंटू वन का पावर फोर माइनस फाइव इंटू वन का क्यूब प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि इस बार हम लोग एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक्स का वैल्यू वन हमें पुट करना है, ठीक ना। तो हम लोग पुट किए माइनस वन प्लस टू। देखो बात बड़ा सिंपल है, तो अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो एक बार फिर रिवाइंड कर लिया जाए। फुल कॉन्सेप्ट तुम्हें आना जरूरी है क्योंकि क्लास टेंथ में भी पॉलिनोमियल आएगा और हम तुरंत उसका भी वीडियो अपलोड करने ही वाले हैं। कल से क्लास टेंथ पॉलिनोमियल का भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें ओलंपियाड वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना है और तुम नाइन्थ के बच्चे हो तो तुम्हें भी देखना चाहिए वो वीडियो और उसको ध्यान से समझना चाहिए। देखो एक बार और हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। देखो हमें शो करना था कि ये जो चीज़ है इसका फैक्टर है, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये अगर फैक्टर है तो इसका जो फैक्टर निकला एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, ये भी इसका फैक्टर होगा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें 28 को तो हम ये एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर जीरो आएगा। 4 7 28 है ना, 4 7 28 कैंसिल हुआ, रिमाइंडर जीरो आया है कि नहीं। रिमाइंडर जीरो आते ही ये इसका फैक्टर है, 28 का फैक्टर 4 है। अब इस 4 का अगर फैक्टर कर ले तो 2 इंटू 2, तो क्या ये 2 इसका फैक्टर नहीं है? फैक्टर का जो फैक्टर होता है वो उसका फैक्टर आराम से होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ था इसका फैक्टर था, क्वेश्चन बोला था, ठीक ना। तो इसका जो फैक्टर आएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, ये भी इसका फैक्टर होगा। और फैक्टर करने का मतलब क्या है कि जब इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और इससे भी डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तभी वो फैक्टर है कि नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि फैक्टर तुम्हें शो करना है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि ये तुम्हारा फैक्टर है, ये बोला था कि फैक्टर शो करना है। अगर ये फैक्टर शो करना है और हम ये कैपेबल हो पाए शो करने में कि ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो आराम से ये भी इसका फैक्टर हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखा जा, जब हम लोग इससे इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर जीरो आया। अब इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या आ रहा है। पी वन इज इक्वल टू टू इंटू वन का पावर फोर, यानी कि ये टू आ गया, वन का पावर फोर वन इंटू टू टू, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव आ गया, और प्लस टू इंटू वन टू हो गया, माइनस वन प्लस टू। देखो सारे प्लस वाले को हम लोग ऐड कर ले,
टू टू फोर और फोर टू सिक्स, माइनस फाइव और माइनस वन माइनस सिक्स दोनों कैंसिल हो गया, जीरो हो गया यानी कमाल हो गया, जीरो हो गया यानी कमाल हो गया। कैसे कमाल हो गया? हम लोग x माइनस टू से भी इसको डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर जीरो आया, और x माइनस वन से भी इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा, x माइनस वन से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा जीरो आया। दोनों केस में अगर रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब क्लियर है, जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये जो है इसका फैक्टर है और ये भी है इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, ये दोनों जिसका फैक्टर था इसका फैक्टर था, तो ये भी इसका फैक्टर है, ठीक ना, ये इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर, तो ये दोनों यही तो है, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये है। तो अगर ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर, तो ये भी इसका फैक्टर, तो डायरेक्टली लिखेंगे सो जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों केस में हम लोग देखे कि रिमाइंडर हमारा जीरो आया, इसका मतलब बस एक ही बात है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो नाइन्थ का एक और मैं वीडियो लाऊंगा पॉलिनोमियल का, उसमें और दो तीन भन्नाट क्वेश्चन मैं रखूंगा, लेकिन साथ साथ अभी हम लोग टेंथ का भी पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तुम लोग से अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो तुम उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, शिद्दत से बनाओ, शिद्दत से पढ़ो, तुम्हें पढ़ना ही होगा,